जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है चतुर्थी की कथा, तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से दो चार आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए, तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि चार अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती है। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना करके उसको प्राप्त किया। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के लिए विवाह हो जाते हैं। हमारा से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 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 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में 30 में 32 में 34 में 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा, तब बेल पत्ती के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनाता है बाजार में मिल जाती है बेल की माला, उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। अगर रसोई घर से भोजन में तुलसी डलकर अगर ठाकुर जी के सामने वो थाली रखी तो ये पक्का है वो थाली ठाकुर जी नहीं जीमेंगे, क्योंकि उसमें तुलसी रखी हुई आई। हाँ, जब ठाकुर जी के सामने थाली रखा गई और तुमने थाली रखने के बाद में मंदिर के सामने बैठ के फिर तुलसी डाली तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक जगह पर विराजमान है। जब हम थाली रखते हैं प्रथम देव उस भाग को ग्रहण कर ले, जब तक तुलसी डालते हैं प्रथम देव अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते हैं, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण, विनायक बैठो, बस काम हो गया। वो फिर होकर आता। सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की, सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे, इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत, ना इंद्राणी के व्रत। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं?
माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए अष्ट रूप में धारण करते हैं। आठ रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक 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 मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर भरत विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के अष्ट नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है किस नाम से रखी जाती है? तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो भरत विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? भरत। भरत विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और भरत विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था घर में सीधी सुंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सुंड का गणेश होना चाहिए। भरत विनायक को तिजोरी में, जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदर बाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं, या स्वस्तिक बनाएं, या माताएं दरवाजे पर रंगोली डालें, तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए, तो घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सिद्धता बढ़ती है। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में तो विसर्जन करो, तो विसर्जन के समय पर दो बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं, पर जब गणेश जी जाते हैं अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं, पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए, तो गणेश जी जाते हैं रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए दो बिंदी लगाना चाहिए, एक कोकू की एक हल्दी। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की प्रियता है दुर्गा। क्या प्रियता है? दुर्गा। कितनी दुर्गा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र पांच। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें वो अपनी जगह पर। पांच दुर्गा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के पांच जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्गा। सपनों की उड़ान को हम सच कर दिखाएंगे। और दुर्गा में भी तीन गांव, जब दुर्गा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्गा की डंडी पर गांठ रहती है, तीन छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। जो व्रत करने वाली होती है, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र अधिक रख दिया जलाशय, फिर अपन ने गीता दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती है या उसका नियम धारण करती है, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में है हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आटा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आटा दाना जो रख
वो गणेश जी से विनती करके वहां से दो चार आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने कुल के अंदर जो काम अटक रहा है उसकी जेब में उसके रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि चार अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखिर दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती है। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज। और सुनी किसने थी? माता पर बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उस वक्त स्वयं गणेश जी बाच रहे, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। पर आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके विनय करके प्रार्थना करके उसको प्राप्त किया। समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के